बहुत कीचड़ है भाई, ऊंचा है ना, जितना बार उतरता हूँ मैं देखो मिट्टी लग जाता है। बैग बच गया, हाँ इसमें थोड़ा सा लग गया। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग फ्रॉम यमुनोत्री। अभी उठे थे और चाय पीने के लिए आए थे यहाँ पे, उठते उठते भी लेट हो गया क्योंकि कल रात को बहुत थक चुके थे और अभी लगभग 7:30-8 बज रहा है। तो हम लोग आधा घंटा में सामान पैक करेंगे और निकलेंगे यहाँ से। और यमुनोत्री का पहाड़ आपको दिखाऊँ तो ये वाला जो पहाड़, ये जो है इधर, ये वाला पहाड़ है यमुनोत्री का। तो इधर से ही हम लोग कल ट्रैक करके आए, मतलब ट्रैक करके गए और वापस आए। यमुनोत्री यात्रा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से प्लान है हमारा कि गंगोत्री जाने का, लेकिन गंगोत्री का किलोमीटर 223 है, तो दो दिन में जाएंगे। यहाँ से पहले जाएंगे उत्तरकाशी, 125 किलोमीटर है, उसके बाद 110 किलोमीटर के आसपास वहाँ से उत्तरकाशी से गंगोत्री बचेगा। तो हम लोग पहले यहाँ से अभी निकलते हैं उत्तरकाशी के लिए और कल फिर बताते हैं आपको कल का कैसे कैसे क्या करेंगे। यमुनोत्री से गंगोत्री का रास्ता बहुत सुंदर है, वो अभी दिखाते आगे चल के आपको। आप भी हमारे साथ आनंद लीजिए और हमें सपोर्ट करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, कमेंट भी करिए। हाँ बताइए और कहाँ जा सकते हैं इसके बाद। ठीक है, हमें ये भी बताते रहिए अगर कोई अच्छी जगह है। हाँ, तो वो सब बताइए, हम करने की कोशिश करेंगे। ये वाला होटल लिए थे, पिछले बार भी आए थे तो यही लिए थे। तो ये रूम मेरा, भावेश का है, ये वाला सुशांति और मेनुका का, उसके बाद है आलोक का और प्रिंस का। तो तीन रूम लिए थे। अब बाइक खड़े करने का भी जगह यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बाइक आप देख सकते हो, बाकी कार रहता है। और ये घोड़ा खच्चर है ऊपर जाने के लिए। निकल रहे हैं, लेट हो चुका है बहुत, 10 बज गया। हर हर महादेव, उत्तरकाशी जाना है। अभी धूप नहीं रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, धूप बहुत ज़्यादा हो गया और पहाड़ का धूप पता ही आपको कि कितना ज़्यादा हो जाता है। अभी बस नीचे उतरना है तो फटाफट नीचे उतरते हैं और खाना खाएंगे। भूख लग गया, 10 बज गया और धूप है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। थोड़ा आगे चलेंगे, उसके बाद हवा लग गया ना फिर ठीक होगा। हम लोग इस वाटरफॉल के पास रुके थे, फ़ोटो वोटो खिंचवाए थोड़ा सा। अब यहाँ से बढ़ते हैं आगे अपने मंजिल के तरफ, निकलते हैं यहाँ से। अभी तो थोड़ा सा ही आए थे। चलते चलते आ गए बरकोट, अभी यहाँ पे रुके खाना खाने के लिए। बरकोट मतलब यहाँ से 2 किलोमीटर आगे है, लेकिन हम लोग को दूसरे रूट पे जाना है। ये कोई बड़ा मार्केट नहीं है, बस एक ही रेस्टोरेंट था इसलिए खाने के लिए रुके। हम लोग आए हैं इस रास्ते से और इधर जाना है, तो इधर कुछ खाने को नहीं है इसलिए यहाँ पे रुके और इधर से आए थे। अभी इधर जाएंगे उत्तरकाशी की तरफ और ये विकास नगर का रास्ता है देहरादून का। खाना कुछ प्रॉपर मिला नहीं, तो आलू पराठा ही मिला है, ऑर्डर दे दिया अभी, तो अभी बनेगा और फिर खाएंगे। सारे लोग बैठे हुए, आलू पराठा बन रहा है। खाना खा के जा रहे हैं अब, पेट्रोल इसमें कम है, इधर तो है नहीं और ऊपर लगभग 50 किलोमीटर बाद है, चला जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत वाला बात है नहीं। तो निकलते हैं, अभी नीचे से अभी आए थे और ऊपर जाना है। रास्ता इधर का कुछ दूर तक ख़राब है, लेकिन उसके बाद जब ऋषिकेश वाले रास्ते पर मिल जाएंगे, मतलब ऋषिकेश से गंगोत्री का जो रास्ता है वो रास्ता बहुत ही अच्छा है। बाकी यहाँ से उस रूट में मिलने तक थोड़ा बहुत ख़राब मिलेगा बीच बीच में।
ये सब उत्तरकाशी जाने का रास्ता है और रास्ता देखो बहुत सुंदर लग रहा है। खैर अभी से जो रास्ता दिखना स्टार्ट होगा बहुत ज़्यादा सुंदर, धरासू 50 किलोमीटर और राड़ी 13 किलोमीटर, और ये जंगल देखो भाई बहुत सुंदर है। कहीं थोड़ा आगे जाएंगे, किसी अच्छे लोकेशन पर रुकेंगे और वहाँ पर फ़ोटो वोटो खिंचवाएंगे। बाकी यहाँ का व्यू आप देखो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, जंगल के बीच से रास्ता। बहुत ज़्यादा थक गए थे और थकने से ज़्यादा ऐसा था नींद आ रहा था, तो यहाँ पे रुक गए, मैं थोड़ा देर सो गया और उसके बाद अभी ये सो रहा है, तो 10-10 मिनट का नैप ले रहे हैं। बाकी अभी टाइम है, अच्छे से उत्तरकाशी पहुँच जाएंगे। 65 किलोमीटर है उत्तरकाशी। हाँ, इसलिए हम लोग भी लोड नहीं ले रहे हैं। हाँ, आराम, क्योंकि आराम से पहुँच जाएंगे, इसलिए लोड नहीं ले रहे, आराम आराम से चल रहे हैं। क्योंकि ट्रैक करके आए तो शरीर थका हुआ है, खाना सही से कहीं मिल नहीं रहा है, चाय तक नहीं मिल पाया है। अच्छा तो, हाँ अच्छा नहीं मिल पाया है। मैं मत जाइएगा हो वहाँ, देखो वहाँ देखिए इंसान को, प्रिंस को, वो लेट गया कुछ देर पहले, हम भी ऐसे ही लेटे हुए थे। ये थोड़ा सा रास्ता खराब मिला है तो इससे निकालना है, बहुत कीचड़ है भाई, निकल तो जाएगा वैसे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये थोड़ा सा गंदा वाला पैच था लेकिन अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो रास्ता अच्छा है और धरासू तक पहुंचेंगे तो फिर तो हाईवे पे मिल जाएंगे, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो सबसे पहले पेट्रोल का ज़रूरत है, रेड पे हो गया है कांटा। यहाँ पे यही है कि 50-60 किलोमीटर पे एक ही पेट्रोल पंप मिलता है। बारकोट से लगभग हम लोग 40-50 किलोमीटर आ गए होंगे, अभी तक एक भी पेट्रोल पंप नहीं मिला है, तो जैसे ही पेट्रोल मिलाएगा टंकी फुल कराएंगे और फटाफट फिर निकलेंगे उत्तरकाशी, पहुँचेंगे, रूम लेंगे पहले सबसे पहले। और इतना धूल मिला है रास्ते में क्या बताऊं मैं। बहुत देर के बाद यहाँ मिल गया है पेट्रोल पंप, तो पहले टैंक फुल कराते हैं और फिर यहाँ से आगे चलेंगे। फुल कर दीजिए। हो गया 1051 रुपीस। थोड़ा सा रुकते हैं, फ्रेश होते हैं, उसके बाद चलते हैं। भाई साहब इतना ऊंचा है ना, जितना बार उतरता हूँ मैं देखो मिट्टी लग जाते हैं। कोई बात नहीं, बाइक गंदी कितनी अच्छी लगती है, देखो हालत बाइक का। पहाड़ से नीचे उतर के हाईवे वाला रास्ते पे मिल गए और ये रास्ता बहुत ही स्मूथ है, तो इस पे अच्छे से 60-70 के आसपास स्पीड मेंटेन कर सकते हैं और जल्दी पहुंच जाएंगे। सिल वैली 96, उत्तरकाशी 21, गंगोत्री 119 किलोमीटर। उत्तरकाशी से 5-6 किलोमीटर पहले रुक गए क्योंकि ये होटल ने पहले रुका था और थोड़ा सा जान पहचान था तो यहीं पे रुक गए। बाकी कल 115 किलोमीटर जाना है गंगोत्री, बाइक यहाँ पे लगाएं और सामान अभी निकालते हैं और रूम में जाते हैं। ये बांधा था इधर बैग को और गंदा पूरा लग गया, सबका हो गया। ये बाइक तो गंदा हो गया लेकिन बैग नहीं गंदा हुआ है, बैग बच गया। हाँ इस पर थोड़ा सा लग गया, ये साफ करने पर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी भाई बाइक तो एक नंबर चल रहा है, बहुत ही मस्त। तो सामान उतारते हैं और सीधे रूम में जाते हैं और रूम में आपसे मिलते हैं। सामान लेके रूम में आ गया और सामान सब इधर बिखरा पड़ा है, ये देखो इधर। तो अभी जा रहा हूँ मैं, फ्रेश होऊंगा, नहाऊंगा और उसके बाद जाएंगे कि यहाँ से खाने के लिए। बहुत ज़्यादा थकावट हो गया और नींद भी आ रहा है क्योंकि ढंग से सोए नहीं ट्रिप में, तो अभी नहाएंगे, खाएंगे और फिर सो जाएंगे और कल यहाँ से जाएंगे गंगोत्री।
गंगोत्री दर्शन करेंगे और परसों जाएंगे वापस घर। रूम भी मतलब अच्छा है रूम, और 350 रुपये एक रूम का मिला, तो 3 रूम है। मैं भावेश इसमें रहेंगे, तो अभी जल्दी से फ्रेश होता हूँ और जाता हूँ मैं खाने के लिए। Don't give it to me, baby, don't.